हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और अगर आपको भी मेरी तरह बाइक राइडिंग का शौक है तो आई मस्ट से कि आपको फिल्म धक धक देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म रोड ट्रिप टू लद्दाख की आपकी जो मेमोरीज हैं या फिर कह लीजिए जो आपके सपने हैं उन्हें रिवाइव कर देगी। और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस संजना सांगी। संजना, वेलकम टू E24। थैंक यू सो मच। अच्छा, फिल्म को लेकर हम बात कर रहे हैं, धक धक की बात हो रही है, और जब मैंने आपकी फिल्म धक धक देखी तो लद्दाख के मूवमेंट्स को देख के सच में मेरे दिल में भी धक धक होने लगा। तो वो ये मुझे पहले ये बताओ कि ये जो बाइक चलाना वालाना सारी चीज़ें हुई, किसने बाइक चलाना सीखा, और स्पेशली रत्ना मैम को वो कूलेस्ट एकदम दादी और वो एकदम लेडी टू कूलना, वो कैसा लगा सब कुछ? आई थिंक फातिमा को ऑलरेडी बाइक चलाना आता था, हम तीनों ने सीखा, और दिया और मुझे बहुत आसानी से बहुत तेज़ हम सीख पाए। क्विक लर्नर। आई थिंक वो या तो कनेक्शन बैठ जाता है बाइक के साथ या कभी नहीं बैठेगा। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, यू नो। आप बाइक चलाते हो तो आपको पता ही होगा कि आप वरना शेक करते ही रह जाओगे। बट आई थिंक मोर देन ऑल ऑफ अस इट वाज रत्ना मैम हु इज़ जस्ट द कूलेस्ट, बिकॉज at 65 years of age to even if she didn't do all the riding on her own, even to attempt how much ever she did, the effort, it's just amazing, क्योंकि वहाँ ऊपर पहाड़ों में इतनी कम ऑक्सीजन होती है, क्लाइमेट इतना अनकम्फर्टेबल होता है कि एनी वे यू आर फीलिंग नॉट योर बेस्ट फिजिकली। सो शी इज़ अ रॉक स्टार, शी इज़ रत्ना पाठक शाह फॉर अ रीज़न, यू नो। या एब्सोल्युटली। और जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं यारी दोस्ती के लिए फिल्में करते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं पैसों के लिए कर लेते हैं, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा अपने फेवरेट स्टार, अपने फैंडम को एंजॉय करने के लिए कर लेते हैं। आपने स्क्रिप्ट को जो हाँ कहा, क्या मतलब लद्दाख कुड बी ए रीज़न कि वो ट्रिप वगैरह वाली चीज़ें? आई थिंक ये जो जहाँ हमें ट्रैवल करने को मिलता है एज एक्टर्स, वो आइसिंग ऑन द केक हो जाती हैं। अगर आप उस वजह से फिल्मों को हाँ या ना करने लग जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम है मामले में। बट व्हाट स्पोक टू मी अबाउट धक धक वाज ऑनेस्टली द फैक्ट दैट हिंदी सिनेमा एक आज ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहाँ चार औरतों की कहानी एक अच्छे लेवल पर माउंट होकर बन सकती है, जहाँ Ratna Pathak Shah at 65 with Diya in her 40s can be on the poster of a mainstream Hindi film. It felt like a story which had to be told. So after working with the Sushant Singh Rajput or Aditya Roy Kapoor, the most safe option would be to, you know, one has been getting a lot of those opportunities. पर धक धक को हाँ कहना एक बहुत ही natural इमोशन था मेरे लिए। और जब कुछ कनेक्ट कर जाता है मैं फिर ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम होता है जब ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं जो आप उसी मोमेंट पर हाँ कह देते हो, वरना आपको सोचना पड़ता है, 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जब आप इंस्टेंटली हाँ कहते हो ना, वो पहली गट इंस्टिंक्ट को बैक करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, जैसे कि हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फीलिंग्स के साथ हर्डल्स भी कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ में, जैसे हर्डल्स आते हैं इस मूवी में भी बहुत सारे हर्डल हैं। कहीं बाइक फंस जा रही है, कहीं कोई खो जा रहा है, जुगाड़ पे सारी चीज़ें, कोई गिर पड़ रहा है, जुगाड़ पे चीज़ें हो रही हैं। शूटिंग के टाइम पे ऑफकोर्स लद्दाख की ट्रिप है जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं चैलेंजेस आते हैं। इतना बड़ा क्रू लेके वहाँ पे काम करना, और बहुत सारे क्लाइमेट हो चाहे रोड हो, बहुत सारी चीज़ों से फाइट बैक करना, गर्ल गैंग ने पूरा कैसे मैनेज किया? आई थिंक हमने मैनेज इसलिए किया क्योंकि एक स्टेलर प्रोडक्शन टीम हमारे साथ थी, और इसका पूरा क्रेडिट तापसी, प्रांजल और वायकॉम की टीम को जाता है, क्योंकि 300 लोगों को एक 2 महीने के नॉन स्टॉप स्केड्यूल पर ले जाना, जहां आप लिटरली दिल्ली से होते हुए मनाली, स्पीति और फिर लद्दाख तक जा रहे हो, इज़ एन इनह्यूमन टास्क। हमने किसी सेट पर शूटिंग नहीं की है, सारी असली लोकेशंस हैं, हर एक दिन एक नई जगह होती थी। तो आई थिंक जो भी चैलेंजेस थे वो इतना हम में वो जुनून था और एड्रेनलिन था कि कुछ फील ही नहीं हुआ, यू नो। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी पर वो वी वर डीलिंग विद देम बिकॉज एवरीवन ऑन द फिल्म वाज जस्ट सो पैशनेट अबाउट वांटिंग टू मेक इट, सो वी वर एबल टू हैंडल इट। अच्छा, मैं अगर आपका ग्राफ देखूँ, ठीक है, तो बड़ी कमाल की फिल्में आपने कर रखी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमन है कि आप जिस फिल्मों में एज ए मेन लीड आप सामने आए हो वो ज़्यादातर फ्रेश और न्यू मतलब डायरेक्टर्स के साथ ही आपने रिस्क लिया है। आर यू ए रिस्क टेकर कि नहीं यार, मतलब मुझे इनके साथ करना, नया कुछ लाना और फोड़ देना है? आई मीन दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, बिकॉज पता नहीं ये कैसे हुआ है, बट आई यू नो हुआ क्या कि पहले when it's our first film दिल बेचारा में तो इट वॉज अ नो ब्रेनर, क्योंकि फॉल्ट इन आवर स्टार्स मेरी फेवरेट किताब हुआ करती थी. सो व्हेन आई ऑडिशन फॉर दैट एंड गॉट सिलेक्टेड, इट दिल बेचारा चोज मी एंड एवरी एक्टर विल टेल यू दैट द फर्स्ट फिल्म चूजेज यू. पर फिर what happened was that it just felt like these are films I want to be a part of, and new talent has to support new talent. You know, I'm also just about starting off. I remember जब आयान मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी वेक अप सिट, तो एक रणबीर ने भी वो चांस लिया था. तापसी ने ऐसे एंडलेस चांसेस लिए, विद्या ने लिए. तो ये एक, जब आप किसी से मिलते और आपको लगता है कि सिंक बैठ रहा है, वो सबसे ज़रूरी बात होती है. एंड आई थिंक एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ वर्किंग विद देयर एस्टैब्लिश्ड ड्रीम डायरेक्टर्स. इट्स माय ड्रीम इज़ वेल, बट आई वांट टू कीप मिक्सिंग इट अप. सो ये हैट्रिक एक कोइंसिडेंस है. अब मेरी अगली फिल्म अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने डायरेक्ट करी है, जिन्होंने पिंक बनाई थी. सो आई हैव गॉटन टू वर्क विद अ लेजेंडरी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. सो आई थिंक इट विल ऑलवेज बी अ मिक्स. And I hope and I wish and I know कि वो भी बहुत ही ऐसी तरह से कमाल की फिल्म होने वाली है. माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके साथ, ठीक है? तो सबसे पहले, इफ़ यू गेट अ चांस टू बी अ बॉलीवुड एक्टर फॉर अ डे, मेल एक्टर, मेल फीमेल एनीवन, I would love to be Kareena Kapoor Khan because I am obsessed with her. I'm not obsessed with Pooh as much. I'm obsessed with Kareena as a person. I think we share being a Virgo in common. I think how she balances her life is huge. So you both connected with a vibe. I'm just a huge fan of everything, the choices she's made, jo bhi keh lo, everything. Okay. And if you get a genie, what will be your three wishes? Why should I tell you? बिकॉज विशेष बतानी चाहिए, क्या पता मुझे कहीं जी नहीं मिले और मैं आपके पास भी. मैं एक्चुअली अपने विशेस और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सीक्रेटिव होती हूँ. सो आई डोंट वांट टू जस्ट से थ्री थिंग्स फॉर द हेक ऑफ इट. बट ओके, कोई बात नहीं, बट आई विश कि आपको जी नहीं मिले एंड आई विश कि वो आपकी सारी ख्वाहिशें जो भी है सारी चीज़ें पूरी हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फर्स्ट पे चेक कितना का था? मेरा फर्स्ट पे चेक मैंडी के लिए था, रॉकस्टार के लिए था. कितना था ये मेरे डैड या मॉम बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको पॉकेट मनी के लिए चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में डाल दें. एंड आई एम ग्लैड आई सेड एफडी, क्योंकि अब वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ. ओके, अगर आपकी इस बॉलीवुड जर्नी पे अगर आपको बोला जाए कि एक टाइटल दें अपनी इस बॉलीवुड जर्नी, व्हाट वुड यू डू? शुरुआत हुई है यार, नहीं ऐसे मत करो. यू स्टार्टेड विद इम्तियाज अली एंड द मूवी इज रॉकस्टार एंड नाउ यू आर डूइंग धक धक. Yeah. So, I mean, the journey up till here, I think the title would be just about getting started. There's a lot. Getting started. Okay, and lastly, ending with what makes Sanjana happy, like anything. Honestly, Sanjana is I'm a workaholic. So even though I'd like to tell you yoga and good food and which is all true, but the truth is work that makes me want to spring up of my bed and give it my all, because मैं बचपन से बहुत ही ऐसी डेडिकेटेड सिंसियर टाइप की बंदी हूँ. तो मुझे अभी भी सबसे ज़्यादा खुशी उसी से मिलती है, काम करके जहाँ दिन जब ख़त्म होता है तो ऐसे लगता है कि यार कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव हुआ है. बहुत अच्छा लगा संजना आपसे बात करके, एंड मूवी बहुत कमाल का कर रही. एवरीवन इज लविंग इट, स्पेशली द बाइकर गैंग इज loving it, the chills and the thrills. Thank you so much हमसे बात करने के लिए, and thank you so much for being on E24. Thank you so much.